सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है कैलेंडर्स एंड टाइमलाइंस। ओके, व्हाट इज नेम ऑफ द चैप्टर? कैलेंडर्स एंड टाइमलाइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर्स की। दो तरह के कैलेंडर्स इंडिया में यूज होते हैं, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा शक कैलेंडर, जो कि इंडिया का कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो पॉप ग्रेगोरी 12th, उनके नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया है। सबसे पहले इस कैलेंडर को उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था 1582 में। कब इंट्रोड्यूस किया था ग्रेगोरियन कैलेंडर को? 1582 में। ये जो कैलेंडर है ये कंप्लीटली बेस्ड है अर्थ के मूवमेंट्स के ऊपर, चाहे वो ऑन एक्सिस पे हो या सन के अराउंड हो। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जितना टाइम अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में लेती है, इट मींस अप्रोक्स 24 आवर्स, उसी को एक डे के रूप में माना गया है। और जो टाइम अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन में लेती है उसको 1 ईयर माना गया है। सन के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365 days and 6 hours का टाइम लगता है, और जो 6 hours रिमेनिंग होते हैं ये 4 ईयर्स काउंट होते होते 24 आवर्स बन जाते हैं। और 24 आवर्स के लिए 1 एक्स्ट्रा डे एड किया जाता है उस ईयर में, और उस ईयर में 366 डेज होते हैं, और उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूरे साल में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। और मेनली ये कैलेंडर बेस्ड है अर्थ के मूवमेंट्स के ऊपर। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉप ग्रेगोरी 12th, क्लियर? और इसको उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था? 1582 में। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट शक कैलेंडर। जैसे कि हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर देखा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पॉप ग्रेगोरी ने इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर? उसी तरह इंडिया में शक डायनेस्टी का जब रूल था उस समय एक कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको बाद में 1957 को इफेक्ट में लाया गया। 1957 से शक कैलेंडर, जिसको इंडियन कैलेंडर भी बोला जाता है। शक कैलेंडर 78 ईयर्स बिहाइंड है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। इसका कहने का मतलब यह है कि जो ईयर ग्रेगोरियन कैलेंडर में करंटली चल रहा है उसमें से अगर हम 78 ईयर्स माइनस करेंगे तो शक कैलेंडर के ईयर्स हमको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? शक कैलेंडर इज 78 ईयर्स बिहाइंड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपको आ गई बात समझ में? अगर आपको पता लगाना है कि शक कैलेंडर में कौन सा ईयर चल रहा है तो आपको क्या करना होगा, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अभी जो 2020 चल रहा है इसमें से अगर हम 78 माइनस करेंगे तो जो ईयर आएगा वो ईयर कौन से कैलेंडर का होगा? शक कैलेंडर का होगा। इज दैट क्लियर? शक कैलेंडर में जो मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं ऑब्वियसली, उन मंथ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चैत्र, जो कि स्टार्ट होता है 21 और 22 मार्च से, वैशाख जो कि 21 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ज्येष्ठ 22 मई से स्टार्ट होता है, उसके बाद में आषाढ़ जो कि 22 जून से स्टार्ट होता है, श्रावण 23 जुलाई से स्टार्ट होता है, भाद्रपद 23 अगस्त से स्टार्ट होता है, अश्विन 23 सितंबर से, कार्तिक 23 अक्टूबर से, अगहन 22 नवंबर से, पौष 22 दिसंबर से, माघ 21 जनवरी से, और जो लास्ट मंथ होता है जिसको हम बोलते हैं फाल्गुना, वो 20th फरवरी से स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर? दीज आर द 12 मंथ्स ऑफ द शक कैलेंडर। ओके, कुछ सिमिलरिटीज है ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड शक कैलेंडर में। दोनों की सिमिलरिटीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
दोनों ही कैलेंडर्स में 365 डेज होते हैं और 366 डेज का लीप ईयर होता है। ये दोनों की सिमिलरिटीज है। अगर हम मंथ की बात करें तो दोनों ही कैलेंडर्स में 12 मंथ्स होते हैं, और अगर मंथ्स में डेज की बात करें तो दोनों ही कैलेंडर्स में 30 और 31 डेज के मंथ होते हैं। इज दैट क्लियर? दीज आर द थ्री सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेगोरियन एंड शक कैलेंडर। इज दैट क्लियर? अब दोनों कैलेंडर्स की सिमिलरिटीज की हमने बात की, अब हम बात करते हैं दोनों ही कैलेंडर्स में डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी मंथ से स्टार्ट होता है, और अगर शक कैलेंडर की हम बात करें तो ये चैत्र मंथ से स्टार्ट होता है। लास्ट मंथ जो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में वो दिसंबर होता है, और वहीं शक कैलेंडर में लास्ट मंथ कौन सा होता है? फाल्गुना। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, और जो शक कैलेंडर है वो 21 या 22 मार्च से स्टार्ट होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, जबकि शक कैलेंडर को सिर्फ इंडिया में ही फॉलो किया जाता है, और ये इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। इंडिया का नेशनल कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। अ टाइमलाइन इज यूजफुल टू अरेंज इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। टाइमलाइंस आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन हिस्ट्री। जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी घटनाएं हुई है, कौन सी घटना किस समय हुई है, कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है, उन सभी घटनाओं को प्रॉपर अरेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग, विच इंसिडेंट विच इवेंट हैपेंड फर्स्ट एंड विच एट लास्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइमलाइन बोलते हैं। टाइमलाइन इट मीन्स वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम अ पर्टिकुलर इवेंट हैपेंड, उसको उस टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइमलाइन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हिस्ट्री को हमें प्रॉपरली स्टडी करना है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा कि जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं हिस्ट्री में, वो कब हुए हैं, प्रॉपर ऑर्डर उनका हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, और कौन सा इवेंट किस समय हुआ है और किसके शासन काल में हुआ है। तो इसीलिए टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में बताती है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइमलाइन बोलते हैं। अब ईयर्स को हिस्ट्री में कैसे डिनोट किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है? देखो, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में सबसे पहले 2 टर्म्स का यूज किया जाता था, बीसी जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी जिसका मतलब होता है अन्नो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि जो इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हुए हैं, उनको किससे, किसके थ्रू डिनोट किया जाता है? बीसी के थ्रू डिनोट किया जाता है। और जो इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद में हुए हैं, उन ईयर्स को एडी में डिनोट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इन 273 बीसी अशोका केम टू द थ्रोन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 273 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब आज जो ईयर चल रहा है 2020, ये स्टार्ट कहां से हुआ था? 1 से स्टार्ट हुआ था। कहां तक पहुंच गया? 2020 तक पहुंच गया। लेकिन इससे भी पहले जब ये ईयर स्टार्ट नहीं हुए थे, उससे 273 ईयर्स पहले, तो वो क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। अन्नो डोमिनी जो ईयर का ईयर को हम डिनोट करते हैं, इसको फॉरवर्ड काउंट किया जाता है। फॉरवर्ड काउंट किया जाता है, इसका मतलब ये है कि 1, उसके बाद में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसे करते करते आज हम कहां पहुंच गए हैं? 2020 तक। लेकिन जो बीसी है, इसको बैकवर्ड काउंट किया जाता है। बैकवर्ड काउंट किया जाता है, इसका मतलब ये है कि 100 बीसी पहले आएगा किससे? 200 बीसी। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट। इज दैट क्लियर? जो एडी है उसको हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं, और जो बीसी है उसको हम कैसे काउंट करते हैं? बैकवर्ड काउंट करते हैं। हालांकि साइंटिस्ट ने
एक चीज बिलीव की, उन्होंने एक डिफरेंट डेफिनेशन निकाली किसकी, बीसी और एडी की। चूंकि ये दोनों ही जो ईयर्स है अन्नो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट, दोनों ही एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड थे, तो इसको अगर प्रॉपर करना है तो इसके लिए जो भी हिस्टोरियंस है उन्होंने कुछ नई टर्म्स यूज की और उन टर्म्स को बोला जाता है बीसीई एंड बीसी। बीसीई किसके लिए यूज किया जाता है, बीसीई यूज किया जाता है बीसी के लिए, लेकिन बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन इरा, यानी कि जब से 1 से लगाकर 2020 तक चल रहे हैं ये क्या है, कॉमन इरा है। तो इस कॉमन इरा के भी पहले का जो समय है जिसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते थे उसको आज किस टर्म से डिनोट किया जाता है, बी सी ई, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। और एडी के लिए सीई यूज किया जाता है, एडी की प्लेस पर क्या यूज किया जाता है, सीई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन इरा। इज दैट क्लियर। अगर हमें ईयर्स को कैलकुलेट करना है किसमें, बीसीए में, तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंट करेंगे, यानी कि 400 बीसी पहले आएगा किससे, 300 बीसी से। 400 बीसी किससे पहले आएगा, 300 बीसी से। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीसीए में हम ईयर्स को बैकवर्ड काउंट करते हैं। अगर हम सीई की बात करें तो सीई को हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं, इसलिए 400 सीई बाद में आएगा, किसके बाद में आएगा, 300 सी। इज दैट क्लियर। आपको एक नंबर स्केल दिखाई दे रही है, 1 CE लिखा हुआ है वहां पर, फिर हम आगे जा रहे हैं तो 100 सी आ रहा है, बैकवर्ड जा रहे हैं तो भी 100 सी आ रहा है। लेकिन आपको ये चीज यहां पर ध्यान देनी है कि जो सबसे पुराना टाइम है इस स्केल में जो दिखाई दे रहा है, वो सबसे पुराना टाइम कौन सा है, 400 BCE, जो कि किससे पहले आया है, 300 BCE से। और वहीं अगर हम सबसे लास्ट टाइम की बात करें जो स्केल में दिखाई दे रहा है 400 सी, ये किसके बाद में आएगा, 300 सी के बाद में आए। तो बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सीई यानी कि कॉमन इरा को हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं, और जो बीसीई होता है जिसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा, उसको हम बैकवर्ड काउंट करते हैं। इज दैट क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।